हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस कोको स्टाइल्स। और अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ ओशीन अर्नेस्ट और मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फैशन, कुकिंग, फूड, ट्रैवल ब्लॉग्स, DIY एंड लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ। पंजाब में चिकन बहुत फेमस होता है और चिकन की वैराइटीज़ पंजाब के लोग बहुत खाते हैं। बटर चिकन, हरियाली चिकन, चिकन कोरमा, काली मिर्च चिकन, दही चिकन, राड़ा चिकन, चिकन ही। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाली चिकन रेसिपी। चलो हम जल्दी से देख लेते हैं कि इस चिकन को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ मैंने 1/2 kg चिकन लिया है विथ बोन और उसे मैरिनेट किया हुआ है। मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें 100 ग्राम्स कर्ड लिया है और 1/2 teaspoon टर्मरिक और 1 teaspoon पाउडर्ड कोरिएंडर के साथ इसे मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने ऑनियन पेस्ट लिया हुआ है, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और ये ग्रीन पेस्ट है, इसे मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची के साथ बनाया है और इसमें मैंने 8 से 10 काजू भी डाले हुए हैं और ये पेस्ट बनाया है। इसके बाद हम ये लेंगे गरम मसाले, इसके अंदर तेज पत्ता, जीरा, लौंग और काली मिर्च, जायफल और दालचीनी, इस टाइप के गरम मसाले हैं और नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 tablespoons ऑफ ऑयल। चलते हैं और चिकन बनाते हैं। सबसे पहले मैं गैस ऑन करके एक पैन में तेल गरम करती हूँ। 2 tablespoons ऑफ ऑयल ये मैंने इसे डाल दिया। सो ये ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये गरम मसाले। ये मसाले पॉप करना स्टार्ट हो गए हैं। मसाले पॉप करना स्टार्ट हो जाए तब इसमें हम डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम थोड़ी देर तक भूनेंगे, जब तक ये भून के ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। अब ये पेस्ट भून के ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अनियन पेस्ट और इसे भी हम भूनेंगे। तो हमारा ये पेस्ट भून के ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन पेस्ट जो हमने तैयार किया था। इसे भी आपने 10 मिनट तक भूनना है अच्छे से। जब ये पेस्ट थोड़ा भून जाता है तो आप प्लीज़ इसे चख के देखें कि इसमें मिर्ची कैसी है। अगर आपको मिर्ची कम लगती है तो आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार काली मिर्ची का पाउडर मिला सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है कोरिएंडर और मिंट लीव्स की। ऐसा लग रहा है कि मैं बस मसाला अभी खा जाऊँ और चिकन छोड़ दूँ। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। इसमें हम चिकन ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये सब मिक्स हो चुका है, अब हम इसे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे और हम इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इसे इसी के पानी से पकाएंगे। So, मैं एक काम तो भूल गई, नमक डालना तो भूल गई। चलो इसमें नमक भी ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, ये ना चिकन धीरे धीरे अपना तेल छोड़ रहा है, इसका मतलब ये पक रहा है। चिकन हमारा बनके तैयार हो चुका है और अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। सो हमारा हरियाली चिकन तैयार है, अब हम इसे टेस्ट करके देखेंगे कि ये बना कैसा है। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। क्या बोलूँ मैं, क्या खुद की तारीफ करूँ। ग्रेवी में से कोरिएंडर और मिंट लीव्स,
खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है और टेस्ट भी इतना लाजवाब है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा खट्टा, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब मेरा ग्रीन चिकन तो रेडी है, अब आपने इसे कैसे खाना है? रोटी के साथ खाना है, तवा रोटी के साथ खाना है, बटर रोटी के साथ खाना है, नान के साथ खाना है, राइस के साथ खाना है, ये आपके ऊपर है। मेरा तो चिकन तैयार है भैया, मैं तो ऐसे ही खाऊंगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर 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 शेयर करें। और अगर आपको मैं पसंद आएगी तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि अगली बार की वीडियो आपको नोटिफिकेशन पे पहुंच जाए।